हाय वहाज, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगी कि आपके पहले ड्रामे से लेके अब हैवान तक आपको क्या लगता है, आप में एज अ पर्सन और एज एन एक्टर क्या तब्दीली आई है? मज़ीद मुश्किल लगने लगा है काम, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टिंग एक वाहिद ऐसा काम है कि जितना आप करते रहते हैं वो आपको आसान नहीं लगता, बल्कि मज़ीद मुश्किल लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि न्यू चैलेंजेस होते हैं हर दफ़ा, एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना पड़ता है, खुद की, फैंस की, घर वालों की। ठहराव आ गया तबीयत में, बेहतर तरीके से सोच सकता हूँ और ऑब्जर्व कर सकता हूँ। एवरी टाइम यू गो ऑन सेट और आपको कोई शॉट देना होता है, अभी तक डू यू गेट द नर्व्स या आपको लगता है अब आप कंफर्टेबल हैं? बहुत ज़्यादा मुझे, इनफैक्ट जो किसी भी प्रोजेक्ट का जो पहला दिन होता है उससे जो पिछली रात होती है मुझे नींद नहीं आती, बहुत परेशान रहता हूँ कि पता नहीं कल कैसा होगा, कैरेक्टर में कितनी देर लगेगी आने में, सब लोग कैसे मुझे जज करेंगे, सब लोग समझेंगे मैं कितना बुरा एक्टर हूँ, इस टाइप के फियर्स रहते हैं। अच्छा, आपने NCA से अपने मास्टर्स किए हैं इन इंटरैक्टिव फिल्म मेकिंग, राइट? अब मास्टर्स इंसान जब करता है तो तब करता है व्हेन दे रियली श्योर ऑफ समथिंग कि उन्होंने एक परसू करना है। तो आपको शुरू से पता था आपका रुझान शुरू से आर्ट्स की तरफ था, और अगर था तो क्या आपकी फैमिली में वाज देयर ऑलवेज अ लव फॉर द आर्ट्स, वाज योर फैमिली सपोर्टिव जब आपने कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ? मुझे एक चीज़ याद आती है अपने अब्बा के बारे में कि जब मैं सुबह सो के उठता था तो मुझे गाने की आवाज़ आती थी और सुबह सुबह गुनगुनाते थे, बहुत ही अच्छा गाते थे, लेकिन वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, कोई ऐसा रुझान नहीं था किसी का भी फैमिली में कि मैं एक आर्टिस्ट बनूंगा। लेकिन मैं स्केचिंग करता था बचपन से और थोड़ी बहुत शायरी भी कर लेता था बचपन में। सो एक दफ़ा मैं इसी तरह करता रहता था, चीज़ें बनाता रहता था, तो अपने वाले साहब को दिखाई तो उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो तब उन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी कि मैं या तो एक्टर बनूंगा या मैं पेंटर बनूंगा। आपने एक बात कही है जिससे अब आप हंस जाएंगे, बताएं। आपके अब्बा गाते थे तो आप गाते? नहीं, मुझे बहुत दुख है और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मैं गा नहीं सकता। एक और आपने बात कही है कि आप शायरी लिखते थे। शायरी लिखता था लेकिन कुछ हमें आप कुछ नहीं, अभी शायद नहीं सुना पाऊंगा। फिर कभी सही कुछ। अच्छा, मुझे बताएं दैट माशाल्लाह यू हैव अ लवली वाइफ एंड यू आर ब्लेस्ड विद अ डॉटर, व्हाट इज लाइफ लाइक एट होम? कैमरा पे तो एवरीवन इज फैमिलियर विद यू, पर आप घर पे कैसे हैं? लाइफ इज ब्यूटीफुल आफ्टर अमीरा। जब मैं घर होता हूं तो हाउ ओल्ड इज शी? अमीरा इज माशाल्लाह 2.5 इयर्स ओल्ड नाउ। दैट्स सच अ क्यूट एज। या दैट इज एक्चुअली, तो इट्स सो ब्यूटीफुल एंड द फीलिंग एंड द डस शी लुक लाइक यू? टच नो, नॉट रियली। हम लड़ते हैं दोनों, मैं अपनी बेगम से अक्सर लड़ता हूँ कि मेरी तरह लग रही है, वो कहती है मेरी तरह लग रही है, लेकिन वो मुझे लगता है कि सना की तरह ही लगती है। सना इज योर वाइफ? या। बचपन आपका कैसा था? हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव ग्रोइंग अप? आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट्स। ओके। आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, और मैं लाडला बिल्कुल नहीं था, मुझे बहुत मार भी पड़ी है और मेरे साथ बहुत सख्ती भी की गई है बहुत सारे मामलों में, पढ़ाई के मामले में, शरारतों के मामले में। अच्छे स्टूडेंट थे आप? अच्छा स्टूडेंट था मैं, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मुझे पता होता था कि बहुत मार पड़ेगी अगर मार्क्स कम आए या मैं फेल हो गया, तो एक जो फियर था, एक घर वालों की तरफ से जो फियर था कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो उसकी वजह से मैं अच्छा स्टूडेंट था, मुझे कोई शौक नहीं था बहुत ज़्यादा पढ़ने का। व्हाट्स नेक्स्ट आपको, क्या अब व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, व्हिच प्रोजेक्ट? मुझे लगता है कि अब बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उसकी वजह ये कि आप आगे क्या चूज़ कर रहे हैं, आप बहुत एक्टिव हो गए सोशल मीडिया, आप अगर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आवाम को, लोगों को, और अब तो लोग पता नहीं डिफरेंट तरीके से कुछ भी परसीव कर लेते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू पिकिंग अप अ प्रोजेक्ट, उसका क्या स्केल होगा, कहानी क्या है, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को, उस कहानी से क्या मैसेज जा रहा है लोगों को। 2-3 अच्छी कहानियाँ हैं जो कि दे आर ऑन प्रोडक्शन, तो आई एम श्योर वो अच्छी लगेगी लोगों को एंड विल बी फन फॉर देम। आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि जब आप एक्टर्स आजकल की जनरेशन के कोई प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा माइंडफुल होना पड़ता है अबाउट द मैसेज दैट योर कैरेक्टर और द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज गिविंग अक्रॉस। आपको लगता है कि एक्सटेंड करता है इवन इन सिचुएशंस वेयर यू हैव टू बी इन द पब्लिक आई, जैसे आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं या सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रखना आजकल इतना ज़रूरी है, आपको लगता है कि प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो आप लोगों पे ज़्यादा प्रेशर है? आई थिंक प्रेशर है, बिल्कुल है, और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि अब आवाम बहुत बाशऊर हो गई है, पहले भी थी और अब शायद थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो पहले प्रोजेक्ट्स होते थे उनकी क्वालिटी, अगर आपको याद हो जो PTV के ड्रामे चलते थे, मैं और मेरी वालदा वेट किया करते थे 8 बजे के ड्रामे का, उनमें अभी भी आज भी वो चार्म है, वो आपको देखें तो आपको दिल करता है देखने का, आपको अच्छा लगता है, आप बहुत सारी पुरानी यादों में चले जाते हैं। ड्रामों का नहीं, हम तो 9 बजे के खबरनामे का भी वेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि क्वालिटी पे भी, कि अगर आपकी क्वालिटी कहीं स्क्रिप्ट की ड्रॉप हो रही है
और अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी है, अगर आपका आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं जा रहा और आपने कोई तस्वीर लगा दी इस तरह की, तो वो आपको दो बहुत देख के सोच समझ के सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, हमने सीरियस बातें बहुत कर ली है, नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ लिटिल फन, आई एम गोइंग टू थ्रो सम शॉर्ट क्वेश्चंस, जस्ट क्विक आंसर्स, ठीक है? एक सिनेरियो, आपको फिल्म ऑफर हो रही है तीन डायरेक्टर से, लेकिन आप सिर्फ एक के पिक कर सकते हैं। वो तीन डायरेक्टर्स हैं वजाहत रऊफ, साकिब मलिक और आसिम रजा। आसिम रजा, ऑफ कोर्स। व्हिच एक्टर डू यू लुक अप टू द मोस्ट? नुमान एजाज, नोमी भाई। ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, नहीं ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। Which actress would you want to co-star next? ठीक है, सबा कमर, माहिरा खान और सनम बलोच। सबा कमर। Good answer. I would have picked her as well. Money or fame? Of course, both. Why not? Smart. What's your favorite project so far? Hewan and Dilnawaz. आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि जब आप एक्टर्स आजकल की जनरेशन के कोई प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको बड़ा माइंडफुल होना पड़ता है अबाउट द मैसेज दैट योर कैरेक्टर और द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज गिविंग अक्रॉस। आपको लगता है कि एक्सटेंड करता है इवन इन सिचुएशंस वेयर यू हैव टू बी इन द पब्लिक आई, जैसे आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं या सोशल मीडिया पर प्रेजेंस रखना आजकल इतना ज़रूरी है, आपको लगता है कि प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो आप लोगों पर ज़्यादा प्रेशर है? आई थिंक प्रेशर है, बिल्कुल है, और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि अब आवाम बहुत बाशऊर हो गई है, पहले भी थी और अब शायद थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो पहले प्रोजेक्ट्स होते थे उनकी क्वालिटी, अगर आपको याद हो जो PTV के ड्रामे चलते थे, मैं और मेरी वालदा वेट किया करते थे 8 बजे के ड्रामे का, उनमें अभी भी आज भी वो चार्म है, वो आपको देखें तो आपको दिल करता है देखने का, आपको अच्छा लगता है, आप बहुत सारी पुरानी यादों में चले जाते हैं। सिर्फ ड्रामों का नहीं, हम तो 9 बजे के खबरनामे का भी वेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि क्वालिटी पे भी, कि अगर आपकी क्वालिटी कहीं स्क्रिप्ट की ड्रॉप हो रही है और अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी है, अगर आपका आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं जा रहा और आपने कोई तस्वीर लगा दी इस तरह की, तो वो आपको दो बहुत देख के सोच समझ के सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, हमने सीरियस बातें बहुत कर ली है, नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ लिटिल फन, आई एम गोइंग टू थ्रो सम शॉर्ट क्वेश्चंस, जस्ट क्विक आंसर्स, ठीक है? एक सिनेरियो, आपको फिल्म ऑफर हो रही है तीन डायरेक्टर से, लेकिन आप सिर्फ एक के पिक कर सकते हैं। वो तीन डायरेक्टर्स हैं वजाहत रऊफ, साकिब मलिक और आसिम रजा। आसिम रजा, ऑफ कोर्स। व्हिच एक्टर डू यू लुक अप टू द मोस्ट? नुमान एजाज, नोमी भाई। ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, नहीं ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। Which actress would you want to co-star next? ठीक है, सबा कमर, माहिरा खान और सनम बलोच। सबा कमर। Good answer. I would have picked her as well. Money or fame? Of course, both. Why not? Smart. What's your favorite project so far? Hewan and Dilnawaz. And lastly, tell me of one role that you think you could have done better in a film or a drama. Well, I believe ke jo koi kirdaar nibha raha hai wo best nibha raha hai, main usse acha to nahi kar sakta, ha utna hi acha kar sakta tha jitna unhone kiya. So wahan just being diplomatic and he's trying to get away with this, but chale hum jaane dete hain. Thank you so much for joining us, Wahaj. It was a pleasure and we wish you the best of luck in all your future endeavors. Thank you so much. Thank you.